मध्य प्रदेश में मई के पहले दिन ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। निमाड़ के कुछ जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग में हीटवेव की संभावना जताई है। साथ ही खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन और इंदौर सहित अन्य कई जिलों में पारा तेजी से उछाल मारेगा और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे अब रातों में भी मौसम गर्म रहने की संभावना है। मई के पहले दिन बुधवार को सूर्यदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाया। तपन व उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पारे ने सुबह से ही तेजी से उछाल भरी और कई जिलों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को मलाजखंड में 40.2 डिग्री सेल्सियस, सतना में 40.5 डिग्री सेल्सियस, रीवा में 40.6 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो में 40.8 डिग्री सेल्सियस, मंडला में भी 40.8 डिग्री सेल्सियस, सीधी दमोह में 41 डिग्री सेल्सियस, खंडवा में 42.1 डिग्री सेल्सियस और खरगोन में पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने हर बार की तरह इस बार भी पूरे मई के महीने में तेज गर्मी की संभावना जताई है। साथ ही गर्म हवा भी चलेंगी। लू का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। लू की संभावना के चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। लोगों को लू व भीषण गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि मई के अंतिम दिनों में बादल छाने से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की उम्मीद है, जिससे तपती गर्मी से राहत मिल सकेगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि मई के महीने में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होंगे, इस वजह से अंतिम दिनों में ओले बारिश का दौर बन सकता है। हालांकि मौसम का ये बदलाव प्रदेश के कुछ ही इलाकों में देखने को मिलेगा। दरअसल आसमान में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश और ओले कहीं कहीं पर ही गिरेंगे। सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुंदरेन के अनुसार गर्मी के लिहाज से मई का महीना खास रहता है। इस महीने सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। 10 साल का ट्रेंड देखें तो कई शहरों में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। दिन में हीट वेव और रातें भी गर्म रहती हैं। मई में बारिश का ट्रेंड भी रहता है। बता दें 2023 में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में अच्छी खासी बारिश हुई थी। इंदौर से लोकल 18 के लिए राहुल दवे की रिपोर्ट।